कल के ऑपरेशन का जो आपने जिक्र किया, उसमें बहुत बार माँ बाप को पता नहीं होता है कि बच्चा घर से निकला है तो क्या जो कह के गया है उसी जगह पे है या किसी और जगह पे है। अगर कहीं गोलीबारी चल रही है और आप जिक्र कर रहे हैं कि बच्चा यूनिवर्सिटी में है या यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने गया है, तो उसका उस जगह पे होने का क्या तुक बनती है जहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है। मैंने कल जीओसी का इंटरव्यू भी सुना जिसमें उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से कार्रवाई सारी की सारी हुई। हम लोग फिर भी जो उसके माँ बाप ने एक बच्चे के कहा है उसको देख लेंगे, अगर उसमें कोई सदाकत हुई तो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मगर मेरे जो इनिशियल इम्प्रेशन इस ऑपरेशन को लेके, मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन ठीक तरीके से हुआ है। बाकी अगर कोई चीज़ सामने आएगी तो उसको ज़रूर हम लोग अच्छे से देखेंगे। कल भी उस बच्चे ने एक ने कोशिश करी, कल जो लावेपुरा में इनकाउंटर चलता रहा मगर उसके ऊपर उसी के साथियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कल मैं जीओसी का इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने किसी चैनल को दिया, फिर उसको दौड़ करके वापस जाना पड़ा और अंत वो भी उसी ऑपरेशन में मारा गया। ये ज़रूरी नहीं कि हर दहशतगर्द आपकी लिस्ट में शामिल हों। पहले लड़का घर से दौड़ता है, फिर वो भागता है, फिर घर वाले रिपोर्ट करने आते हैं, जहाँ आपको अपने जराए से पता चलता है, फिर वो लिस्ट में चढ़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि हर लड़का जो मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुका है आपकी लिस्ट में हो।